न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स और इस वक्त की खबर आ रही है खरगोन से, जहां खरगोन के सनावद में एक मंद बुद्धि नाबालिग के पिता ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। जबकि परिजन का आरोप है कि पास में रहने वाला शिव नाम का व्यक्ति नाबालिग से छेड़खानी करता था, गलत हरकत करता था। इसी बात से परेशान नाबालिग के पिता ने जीवन लीला समाप्त कर ली है। बता दें, शिवनाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करके पुलिस ने पॉक्सो एक्ट धारा के तहत कार्रवाई की है। जबकि परिजन का आरोप है कि नाबालिग के पिता आरोपी के खिलाफ जब थाने पर रिपोर्ट लिखाने पहुंचे, उस समय रिपोर्ट नहीं लिखने की दशा में नाबालिग के पिता ने मौत को गले लगा लिया। वहीं पुलिस मामले की पड़ताल करके उचित कार्रवाई की बात कह रही है। क्या है सर? ये कल एक थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नाबालिग बच्ची है जिसे शिव नाम का व्यक्ति उसको परेशान करता है। उसी बात को लेकर थाने में आवेदन दिया था, जिसपे कि टीआई सनावत ने उनको पकड़ने के लिए तुरंत भेजा था, तस्दीक करने के लिए और कार्रवाई करने के लिए भेजा था, लेकिन उस समय लड़का नहीं मिला था। उसके बाद में उसी की रिपोर्ट पर, जो उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, उसकी रिपोर्ट पर एक अपराध थाने पर 354 का 7-8 पास्को एक्ट, बच्ची नाबालिग होने के कारण 7/8 पास्को एक्ट का भी कायम हुआ है। चूंकि जो बच्ची का पिता है जितेंद्र, उसको भी जो आरोपी है शिव परेशान किया करता था, इसी बात जब वो मना करता था, झगड़ा करता था उससे और उसे लड़की के पिता को प्रताड़ित करता था, उसी को ऐसा उनका आरोप है कि उसी को लेकर, उसी प्रताड़ना को लेकर उन्होंने आत्महत्या भी कर ली, जिसमें हमने मर्ग पंजीबद्ध किया है। सबके साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें की जाएगी। सर, आरोपी अभिरक्षा में है कि गिरफ्तार? आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है।